नमस्कार प्यारे बच्चों आज हमारा इंग्लिश अल्फाबेट रीजनिंग का ये एक बहुत ही शानदार टाइप है जहां पर हम क्वेश्चन को बिना सोचे समझे उसको स्किप कर देते हैं एग्जाम में उसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि आखिर कैसे इन क्वेश्चन को हल करें तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ पॉइंट है उनको याद रखना है देखिए पहला पॉइंट यहां पर यह है पहला पॉइंट यहां पर यह है कि हमें प्रत्येक अल्फाबेट का पोजिशन यानी क्रम याद होना चाहिए प्रत्येक अल्फाबेट का प्रत्येक अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए यानी कौन सा क्रम जैसे पी सोलह पे आता है पंद्रह पे क्या आता है ओ आता है बारह पे क्या आता है एल आता है इक्कीस पे क्या आता है यू आता है एक्स चौबीस पर आता है यानी ये इनकी पोजिशन ये याद होनी चाहिए ये याद होने के बाद दूसरा हमें वर्णमाला में लेफ्ट और राइट वाली पोजिशन पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट का मतलब यह है कि बाई ओर से कौन सा अक्षर जैसे हम आपसे कहें कि बाई ओर से आठवां अक्षर क्या होगा तो बाई ओर से आठवां अक्षर क्या होगा एच होगा अगर यही हम कह दें कि राइट साइड से आठवां अक्षर क्या होगा तो राइट साइड से आठवां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 27 में से 8 को घटा देंगे 27 में से 8 घटा दिए तो क्या आ गया 19 और 19 पर क्या आता है आई आता है तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होने चाहिए लेफ्ट साइड के लिए हमें कुछ नहीं करना है लेफ्ट साइड के लिए हमें जो उसकी एक्चुअल है अल्फाबेट्स की वो याद रखनी है और राइट right साइड के लिए अगर कोई वैल्यू है तो हमें वो सत्ताईस में से घटाकर हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ये दो इसके कॉन्सेप्ट है अब देखिए क्वेश्चन कितनी तेजी से इन सेकेंड्स से में हम कैसे उड़ा देंगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई e और ओ के ठीक बीच में यानी ई e और ओ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है तो देखिए पहला काम क्या रहेगा आपका मध्य का क्वेश्चन का आपसे संख्या पूछ रहा है या मध्य का आपसे अक्षर पूछ रहा है तो मध्य का अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे आप इन दोनों की पोजीशन को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे अब ई e और ओ को नहीं जोड़ना है इनकी पोजिशन जोड़नी है जैसे कितने नंबर पे आता है ई पांच पे आता है और ओ पंद्रह पे आता है तो हमें ये पोजीशन जोड़नी है पांच और पंद्रह इसके बाद इसको आधा कर देना है पंद्रह और पांच कितना हो गया बीस और बीस का आधा कर दिया तो कितना आ गया दस दसवें नंबर पर क्या आता है दसवें नंबर पर वर्णमाला में क्या आता है जे आता है तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा जे बस इतना सा काम करना है जो अल्फाबेट्स दे रखे होंगे उनकी पोजीशन को वर्णमाला की पोजीशन को जोड़ देना है और आधा कर देना है उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा यह पहला वाला क्वेश्चन था देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी और एस के यानी जी और एस देखिए जी कितने पे आता है सातवें नंबर पर आता है एस कितने पे आता है उन्नीसवे नंबर पर आता है अब हमारा काम क्या रहेगा इनको जोड़ देना और जोड़ने के बाद इनको आधा कर देना उन्नीस सौ सात कितना हो गया छब्बीस और डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया तेरह तो तेरवे नंबर पे क्या आता है वर्णमाला में तेरहवे नंबर पे क्या आता है तेरहवे नंबर पे आता है ये एम आता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए वर्णमाला में अक्षर एच और एस यानी एच कितने पे आता है आठ पे आता है और एस कितने पे आता है उन्नीस पे आता है तो पहला काम क्या रहेगा आठ और उन्नीस को जोड़कर आधा कर देंगे उन्नीस और आठ कितने हो गए सत्ताइस और 27 का आधा अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा तेरह दशमलव पांच अब जरा यह बता दो कि वर्णमाला में वा अक्षर होगा चौदहवा अक्षर होगा पंद्रवा होगा सोलवा होगा बारहवा होगा लेकिन तेरह दशमलव कोई सा नहीं होगा तो इस प्रश्न को क्या आंसर दिया जाएगा कोई अक्षर नहीं होगा तो ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं तो यहां पर जो एक्चुअल पोजिशन अगर दशमलव में आ रही है तो दसमलभ तक कोई हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट होता ही नहीं है तो वो आंसर होगा भी नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4. नौवा अक्षर क्या होता है आई होता है चलो यह हमें पता है आई होता है और दाहिनी ओर से दसवा अक्षर अब राइट साइड से राइट साइड से दसवा अक्षर कौन सा होगा राइट right साइड से दसवें अक्षर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सत्ताइस में से दस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सत्रह और सत्रह पर क्या होता है क्यू होता है अब आपका प्रश्न कुछ इस तरीके का हो गया कि वर्णमाला में आई और क्यू अक्षर के बीच यानी आई कितने पर आ गया नौ पे और क्यू कितने पे आ गया सत्रह और इसका हम कर देंगे आधा तो सत्रह और नौ कितना हो जाएगा छब्बीस और छब्बीस का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा तेरह और तेरह पर क्या होगा ये हो तो प्रश्न इस तरीके से भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इस तरीके के को हम क्वेश्चन तो और और को, तो को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे ये एक क्वेश्चन आपके लिए है जल्दी से कमेंट्स में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आज की वीडियो में बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद